अंग्रेजी भाषा के बढ़ते चलन और हिंदी की अनदेखी को रोकने के लिए हर साल 14 सितंबर को देश भर में हिंदी दिवस मनाया जाता है। आजादी मिलने के 2 साल बाद 14 सितंबर सन 1949 को संविधान सभा में एक मत से हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया और इसके बाद हर साल इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए भारत की स्वतंत्रता के 2 साल बाद हिंदी के अग्रदूत व्योहार राजेंद्र सिंह लंबे समय तक ऐसे अन्य लेखकों के साथ संघर्ष करते रहे। 14 सितंबर सन 1949 उनके 50वें जन्म दिवस पर हिंदी को स्वतंत्र भारत की राष्ट्रभाषा के तौर पर स्वीकारा गया। पुष्प की अभिलाषा, लेखक सुमित्रानंदन पंत। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर है हरी डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ू भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावे वीर अनेक। बारी बारी जा।